मुंबई वाले आइटम है वड़ा पाव और फिर पोहा है, चाय है, क्योंकि जब मरीन ड्राइव है तो आइटम भी मुंबई वाली होनी चाहिए। कड़ी पत्ता से इंदौर वाली टेस्ट आने वाली है, इसमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़िया है। स्वागत है आपका लाइव सिटीज में। हम आ चुके हैं पटना के मरीन ड्राइव पे। आपके सामने आपको दिख रहा होगा इंडिपेंडेंट गर्ल द चाय एंड स्नैक्स पे। ये वही लड़की है, ये वही पूजा तिवारी है जो पटना जंक्शन के सामने जो स्टॉल खोली थी, चाय बेचती थी वहाँ पे, लेकिन अब आपको यहाँ पे पोहा खिलाने आ गए हैं जी। हाँ, पटना वाले जितने भी हैं वो मरीन ड्राइव आ सकते हैं, इनका पोहा टेस्ट करें। तो देखिए, पोहा और भी चीज़ें मिलती हैं, हम बातचीत करेंगे, लेकिन पोहा आज हम खाने वाले हैं और बात भी करेंगे कि कैसे बनाती हैं और क्या क्या मिलता है, हर चीज़ जानेंगे। चलिए, हेलो नमस्ते, मेरा नाम पूजा तिवारी है और मेरे स्टॉल का नाम है इंडिपेंडेंट गर्ल द चाय एंड स्नैक्स अड्डा। ये मेरा मिनी आउटलेट है। सेकंड, एक मेरा बुद्धा स्मृति पार्क के पास है जहाँ पे पकौड़े और चाय मिलते हैं। और मेरे पास अभी यहाँ पे है मुंबई वाली आइटम, मुंबई वाली फीलिंग ऑफ पटना में ऐसा वो है। मुंबई वाली आइटम है वड़ा पाव और फिर पोहा है, चाय है, क्योंकि जब मरीन ड्राइव है तो आइटम भी मुंबई वाली होनी चाहिए, इसलिए मेरा एक कॉन्सेप्ट है। और आज आपको हम दिखाएंगे कि पोहा कैसे बनता है, मेरा स्टाइल वाला पोहा है। क्या डाल दी, कौन सा तेल? ये तेल है, हाँ। और इसमें जाएगा अभी हींग, हाँ, सबसे पहले हींग जाएगा। और उसके बाद इसमें राई, सौंफ और जीरा, ये बहुत सारा, मतलब ढेर सारा राई, सौंफ, जीरा, इससे टेस्ट आएगा अच्छा। फिर पोहे में हम मिलाएंगे नमक और चीनी, हाँ, टेस्ट को बैलेंस रखने के लिए। ये मिला दी चीनी और उसके बाद जाएगा, इसमें आएगा नमक। नमक, हाँ, काला नमक डाल दिए? नहीं नहीं, ये मिर्ची मिला हुआ है। और इसमें फिर जाएगा कढ़ी पत्ता, कढ़ी पत्ता, हाँ, इसमें ऊपर, हाँ, कढ़ी पत्ता से इंदौर वाली टेस्ट आने वाली है इसमें, हाँ, हाँ। और इसमें अब एक हो गया तो इसमें हल्दी डालेंगे, तेल का कोई नहीं, हल्दी पड़ेगी। और उसके बाद पानी, तो हल्दी जले ना। क्या आएगा पोहा, ये बस मिक्स करते रहना, हाँ, बस मिक्स करते रहना। और कितने रुपए में देती हैं लोगों को, कितने रुपए में देंगी आप? 30 रुपीज है। 30 रुपए में, हाँ। क्वांटिटी ठीक रहता है, नॉर्मल? नहीं नहीं, क्वांटिटी सही रहता है, कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि हाँ कम है। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़िया है। अब पोहा रेडी टू सर्व है। अब इसका डेकोरेशन होगा। इसमें क्या प्याज, उसके बाद हरी मिर्च, सेव, मूंगफली रोस्टेड, धनिया पत्ता, हाँ, और नींबू डालेंगे, हाँ, नींबू, नहीं नींबू डालेंगे, हाँ, इसमें चाट मसाला, नींबू के बिना मुझे लग रहा है अधूरा है, नींबू है, चाट मसाला है, चाट मसाला, इसके बाद नींबू। देखिए, जो भी मरीन ड्राइव पे आ रहे हैं, मैं बोलूँगा कि पोहा ज़रूर ट्राई करिएगा, 30 रुपये में इतना क्वांटिटी मिलेगा। और फर्स्ट बाइट ले देखिए कैसा है। पुणे के बाद अब जाके पोहा खा रहा हूँ, वो भी मरीन ड्राइव पे। ऐसा व्यू के सामने अगर इतना टेस्टी पोहा मिलेगा तो किसी को भी मन करेगा कि खा लें। और अगर टेस्ट की बात करें तो
अच्छा है, आप आके ट्राई कर सकते हैं मरीन ड्राइव पे, लोकेशन आप देख लिए हैं। और क्या नाम है दुकान का? वो तो मैं बोलेगा 30 रुपये में इतना क्वांटिटी मिल रहा है और क्वालिटी के साथ मिल रहा है, तो बस आ जाइए। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर पेज ट्राई करें।